तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और स्वागत है आपके हमारे चैनल पर एक बार फिर से द ट्रू ब्लॉग पे। मैं हूँ पंकज सिंह, स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल पर द ट्रू ब्लॉग पे। तो यहाँ पे ऐसे कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ पे देखो जो है सच्चाई है। यहाँ पे ऐसे बोलते थे कि इस जगह पे कुछ ऐसा चीज़ दिखता था। सबसे पहला बात तो यहाँ पे प्लॉटिंग का काम चल रहा था, ठीक है। आज से तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पे प्लॉटिंग का काम चलता था। सामने ही रोड है, सामने ही बगल में ही रोड है, रोड के सामने प्लॉटिंग का काम चलते रहता, ये आपको पता है। प्लॉटिंग का काम जब चल रहा था यहाँ पे, तो बहुत किसी ने यहाँ पे जो वर्कर लोग हैं, जो हैं कि मजदूर लोग थे रात में जो काम करते थे या उसी घर पे सोते थे जहाँ प्लॉटिंग होता था, तो यहाँ पे बहुत किसी ने ये महसूस किया है कि कुछ अजीब सा चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे मतलब समझ लो कि आधे रात में ही दिखती है वो चीज़, या दिखता है मुझे भी नहीं पता। अभी तकरीबन रात के बज रहे हैं अभी 10:30, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा बोला करते हैं कि कुछ ऐसा दिखता है, और अगर उसके सामने कोई जाता है तो ये भी बोलते हैं कि वो उसे कच्चा खा लेता है, या फिर उसे उस कुत्ता कहाँ से आ गया भाई, देखो कुत्ता भी घूम रहा है ऐसा जंगल में, पता नहीं क्या होगा मुझे नहीं पता। तो या तो उसे कच्चा खा लिया जाता है, या तो फिर ऐसे कहते हैं कि वो वापस नहीं आता है अगर वो उसके चंगुल में फंस जाता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले प्लेस कि कैसा प्लेस है, और ये भी दिखाऊंगा अगर कुछ दिखता है तो, और कुछ नहीं दिखेगा तो भाई जाहिर सी बात है कुछ नहीं दिखेगा तो मैं कहाँ से कुछ दिखाऊंगा। लेकिन जो टाइम पे मैं आया हूँ, जब मैंने पता किया तो पता चला कि 10:30 बजे के करीब, 10 से 11, 12, मतलब 10 बजे के बाद ही वो चीज़ दिखता है। इसलिए मेरा आने का मकसद 10:30 बजे ये था। अब देखते हैं क्या है ऐसा। तो मैं पहले यहाँ पे आपको जगह दिखाऊँ कैसा है। मैं एक मिनट लाइट बढ़ा देता हूँ। और देखो धुंध बहुत ज़्यादा है, तो शायद हो सकता है कि आपको क्लियरिटी ना दिखे, तो इसमें भाई माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। धुंध बहुत ही ज़्यादा है। देखो ये रोड, एक इधर से ये रोड आता है, ठीक है, ये एक रास्ता है, मैं इधर से ही आया हूँ, बाकी इधर भी रोड है। अब वो चीज़ देखते हैं, दिखता है तो सही है, वरना कुछ कर तो नहीं सकते हैं। तो ये एक रास्ता है, यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि बहुत कुछ है, यहाँ पे प्लॉटिंग का काम चलता था। देखो आप ये देख रहे हो, ये सब प्लॉटिंग ही था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि ये वीरान हो चुका है पूरा। रास्ता भी बनाया गया था, ऐसा लगा कि कोई मतलब जो खांसता ऐसा आवाज आया है, ऐसा कोई खांस रहा हो। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है वो मुझे भी नहीं मालूम है भाई, लेकिन हाँ एक बात बोलूँगा कि आप लोग के लिए इतना करता हूँ भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। देखो यार इतना रिक्स लेता हूँ, सब्सक्राइब कर दिया करो। जाता हूँ आगे, देखता हूँ ऐसा क्या है। और बाकी ठंड भी बहुत ज़्यादा, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ ठंड बहुत ज़्यादा, वो भी 10:30 से 11 बजे रात को, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ठंड होगा। अब मैं कहाँ था, तो मैं यही बोल रहा था यार। देखो यार अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है, क्योंकि 10:30 बज गया था जब मैं यहाँ पे आया था, और अभी वीडियो जब कर रहा हूँ तो 11 का लगभग बजने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ है। ये भी पेड़ ही है, क्या यहाँ पे कोई है जो अपने होने का एहसास दिला सके। अरे ये भी तो नहीं पता है ना कि वो कोई इंसान है या फिर कुछ पैरानॉर्मल एनर्जी है या कुछ है। बस इतना पता है कि समझ लो एक आदमखोर जैसा कैसा होता है, वो आदमखोर जैसा है। वो कौन है, एक मिनट तो आपको शायद दिख रहा होगा, ये पता नहीं मुझे चल रहा है ये क्या है, क्या ये चीज़।
इधर कहाँ जा रहा है ये? अरे भाई पता नहीं भाई, कुछ ऐसा था जो मैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा। देखो मैं पास तो नहीं जाऊंगा यार, गजब अजीब सा लग रहा था यार। बस तो आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ध्यान दिया। वो चीज इधर गया है, लेकिन यहां तो कोई है नहीं। पास जाऊं क्या? चल ही जाता हूँ यार, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसके चंगुल में फंसना भी तो नहीं है मुझे। कौन है? हुई, कुछ हुआ? मुझे क्यों लग रहा है इसके अंदर कोई है? हुई भाई, ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा यार। कुछ है भाई अंदर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है यार कोई था इसके अंदर? एक मिनट, वही चीज है दोस्तों, जो यहाँ पे इस जगह पे जो गया था हूबहू वही चीज है। ये पता नहीं एक है या एक से ज्यादा है, मुझे नहीं मालूम। वो करीब आते जा रहा है, देखो अजीब सा लग रहा है यार। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस कर रहा हूं, मैं उसकी परछाई नहीं है, उसकी परछाई नहीं है। आप देख सकते हो, मैं पूरा जूम करके दिखा दूं आपको, आपको उसके शैडो कहीं नहीं दिखेगा। कौन हो? वो तो सामने ही आता जा रहा है। कौन हो? भाई साहब क्या डरावना है यार। तो मुझे पीछे हटना पड़ रहा है कि मुझे मालूम नहीं चल रहा वो क्या चीज है। देखो फिर वो चला गया अंदर, फिर अंदर गया। अब बताओ अगर वो अंदर जा रहा है कब कहां से निकल जाए मुझे नहीं मालूम। बताओ यार, मतलब ये हो क्या रहा है यार? वो झाड़ी के, ये जो जंगल है जो भी बोलो इसको, इसके पीछे वो तो जा तो रहा है, लेकिन वो गायब कहां हो जा रहा है? तो मैं ये चीज भी बोल सकता हूँ कि देखो पता नहीं कहाँ था, यहाँ पे था या वहां था। मैं पीछे हट जाऊं यार, सबसे पहला बात तो कहाँ आ जाएगा मालूम नहीं। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा दोस्तों, जो भी था बहुत खतरनाक था। आप विश्वास करो या ना करो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये देख सकते हो आप। क्या था पता नहीं, मतलब यहाँ के लोग, एक मिनट यहाँ फिर आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है बार बार? वो ये स्पीड में आ रहा है भाई, वो दौड़ रहा है। ओए भाई भाई बहुत जोर का लगा मेरे को, पता नहीं है वो। भाई क्या भाई, वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, वो एक से ज्यादा है यार। देखो
नहीं समझ में आ रहा वो कहाँ गया। ओए अबे यहाँ पे आ गया वो, मुझे तो ये कैसे हो रहा है यार, कभी फिर आ रहा है वो, स्पीड में आ रहा है भाई। अगर मैं उसके चंगुल में आ गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये क्या है भाई, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कैसा क्रिएचर है कि क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वो फिर आया वो, मुझे यहाँ निकलना ही होगा। अगर मैं उसके जंगल में पड़ गया ना भाई, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ओ इसके वहां ये आ रहा है वो, भागने दो भाई। बहुत स्पीड में आ रहा था भाई, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वो बहुत स्पीड में आ रहा था। पता नहीं कैमरा में वो आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा था यार। अब पता चला है कि प्लॉटिंग का काम क्यों छूटा था यहाँ पे, अब मुझे पता चला। देखो अगर आप देखोगे तो पूरा सन्नाटा ही है रोड, इस रोड में ऐसा कोई है नहीं जो मुझे बचा सके। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा यार, मुनासिब होगा, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं यहाँ पे। क्या पता वो क्या था यार, अजीब सा था, क्रिएचर बोल लो या कुछ बोल लो, लेकिन हाँ एक चीज मैंने नोटिस किया कि उसकी शेडो नहीं था, उसका जो शेडो होता है वो नहीं था, ये मैंने नोटिस किया। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा वहां पे, मैं निकलता हूँ दोस्तों यहाँ से। बाकी मैं भगवान मालिक है मेरा, क्योंकि मुझे बहुत दूर का भी सफर करना है। और आप यहाँ का रोड देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ी आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई गाड़ी आ सके। मैं थोड़ा देर कैमरा चालू करके रखूँगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो शायद रिकॉर्ड हो जाए, नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं जा रहा हूँ यार। मैं सच बोल रहा हूँ, क्या क्रिएचर था मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है। और पहली बात तो यह है कि मैं अकेला हूँ यार, और दूसरी बात यह कि मेरा कोई मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। देखो कुंदन भाई रहता है तो एक सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं कि अगर मुझे ऐसा कुछ हो जाए तो दूर दूर तक यहाँ पे कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई बचा सके, समझे। इसी बात पे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये देखो, देख रहे हो, मतलब इतना वीरान हो चुका है ये जंगल कि आप ये देखो। बाकी आपको जो वो लाइट वगैरह दिख रहा है वही मेन रोड है, लेकिन मेन रोड से यहाँ क्या करने आएगा कोई, यहाँ पुलिस तक यहाँ नहीं आता है आज, मतलब रेड करने। क्या था यार, मैं निकलता हूँ यार, फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ कैमरा बंद, मुझे दे लो। और मुझे लगा भी बहुत जोर का यार, मैं वहाँ पे गिर गया, मेरी किस्मत अच्छा था यार, मेरा सेफ्टी मेरे पास था, इसलिए मैं शायद बोल सकती हूँ कि मैं बच सका। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाज़त, मैं यहाँ से जाता हूँ।